सुबह उठकर ये कार्य करने से नहीं आती है घर में गरीबी। मित्रों, हर धर्म में ये कहा जाता है कि सुबह उठना लाभदायक होता है। जल्दी उठने से हमारा मन और शरीर दोनों ही सही रहता है। ऐसे में क्या आपको पता है कि कौन सा कार्य है जो सुबह उठकर करने से घर में गरीबी नहीं आती? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हमारे शास्त्रों में धनवान व्यक्तियों के लिए कई बातें कही गई है। इसमें उन बातों के बारे में बताया गया है जिनका ख्याल रखने से आम इंसान भी धनवान व्यक्ति बन सकता है, जिसमें पहली बात है सुबह जल्दी उठना। कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत फायदा होता है, यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले उठना चाहिए। इसका कारण यह है कि दिन की शुरुआत करने से पहले अपनी शरीर की सफाई और इस पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय होता है। बिस्तर से उठने से पहले भगवान राम का नाम लेना चाहिए और उन्हें नया दिन देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता का प्रणाम करें और उन्हें भी धन्यवाद दें। सूर्य को दे जल। सुबह स्नान के बाद हमें सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सुबह के समय जल से जल्द जल देना फायदेमंद होता है। ऐसा न करने वालों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे, तब जल देने से कोई लाभ नहीं होता। सूर्य को जल देने के बाद ओम आदित्य नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जल देते समय अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए, तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दे। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहे हो तो दोनों को मिलकर सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाना चाहिए। लड्डू गोपाल का करें श्रृंगार। सुबह सुबह घर से निकलने से पहले अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले साफ थाली में सितारा चंदर से बनाए। इसके बाद बीच के खाने में ओम लिखना चाहिए। वहीं बचे हुए खंडों में श्रीमन नारायण लिखें या फिर जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम लिखें। ऐसा करने के बाद वो सितारा एक यंत्र बन जाता है। इसके बाद उस यंत्र में तुलसी की पत्ती चढ़ानी चाहिए और जल चढ़ा के प्रणाम करना चाहिए। फिर प्रेम से ठाकुर जी को इसमें बैठाना चाहिए। ठाकुर जी को बैठाकर उनका जल से स्नान कराना होता है। फिर प्रेम के साथ उनको गोद में बैठाकर उनको साफ कपड़े से पोछिए। कान्हा जी को सजाने के लिए आप लाल, हरे, पीले, मोर पंख से बने वस्त्र उनको पहना सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी अपने हाथों से कान्हा के लिए वस्त्र तैयार कर सकते हैं। मान्यता है कि बांसुरी में कान्हा जी के प्राण बसते हैं। इसके बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। श्रृंगार करने के बाद हमेशा ठाकुर जी को दर्पण दिखाएं। सभी भगवान को लगाएं भोग। सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। उनकी पूजा अर्चना में तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें आटे की पंजीरी, सूजी का हलवा और पंचामृत भी अर्पित करना शुभ होता है। वहीं भोलेनाथ को मिठाइयों का भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी नाराज हो जाते हैं। उन्हें हमेशा धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से किया गया भगवान शिव का अभिषेक हर मुराद पूरी कर देता है। वहीं माँ दुर्गा को भोग में हलवा और चने अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मालपुए, पूरण पोली और खीर भी बहुत पसंद है। माता को खुश करने के लिए इन सभी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह ना लगाए चंदन। पूजा करते समय चंदन घिसने वाले पत्थर से भगवान को चंदन लगाए। ऐसा अगर देवराज इंद्र भी करें तो उनका धन नष्ट हो जाता है, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म के रास्ते को छोड़कर जो लोग अधर्म का मार्ग चुनते हैं उनके पास लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के पास जब खूब धन आने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब लक्ष्मी के जाने का समय आ गया है। इस समय पर भी जो नहीं सचेत हो जाता उसका नष्ट हो जाना तय है। चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि पैसे वाले व्यक्ति को गंभीर स्वभाव का होना चाहिए। आचार्य के मुताबिक धनवान को पैसा तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग पैसे को संजोकर रखते हैं उनके पास ज्यादा समय तक पैसा नहीं ठहरता और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वहीं व्यापार में लगने से इसमें वृद्धि होती रहती है। तो मित्रों, आपने जाना कि सुबह उठकर ये कार्य करने से नहीं आती घर में गरीबी। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं।
जिसके लिए आपको फॉलो करना होगा फेसबुक पेज को। धन्यवाद।